बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद दुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम दुआ फैम खैरियत से और हंसते मुस्कुराते हों, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी दुआ फैम, आज की वीडियो भी बड़ी ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज भी मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी स्किन केयर के हवाले से। आजकल का मौसम बड़ा ही ड्राई डैमेज है और हमारी स्किन का सत्यानाश हो चुका है तकरीबन, और जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई डैमेज और सेंसिटिव स्किन है वो हो जाएं खुश, क्योंकि उनके लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र हाजिर खिदमत है। ये है फिजियोजेल। फिजियोजेल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी अच्छे स्टोर से, किसी बड़े स्टोर से भी मिल जाएगा और आम स्टोर से भी। अच्छा, मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया था, आप इसको देख चुके होंगे ऑन द स्क्रीन। इसकी प्राइस थी 1850 और दराज पे भी अवेलेबल है, मे बी इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में आपको मिल जाए, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब बात हो स्किन की और स्किन की बेहतरी की। तो ये जी ख़ास कर बनाया गया है, इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं जो कि हार्मफुल नहीं है। इसमें 50% नेचुरल चीज़ें शामिल की गई हैं और इसको आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है। मैं इसको फेस के लिए अप्लाई करती हूँ या यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसको ड्राई डैमेज या जो जिनके एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं हैंड्स, उन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, मैं आपके सामने ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बिफ़ोर आफ्टर भी आप ख़ुद ही देख लें कि पहले मेरे हाथ बड़े रूखे रूखे से लग रहे थे, जैसे ही ये मैंने अप्लाई किया इसमें एक मतलब एक अनजाना सा या कोई मतलब बहुत ही स्पेशल किस्म का ग्लो सा आने लगा है, और ये चिपचिपी फीलिंग भी इसके साथ नहीं है, जो कि इसकी एक अच्छी बात है या अच्छी खसूसियत है इसकी। इसको जो लोग अप्लाई करेंगे वो हैं ड्राई डैमेज स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल टू ड्राई वाले। नेक्स्ट जो चीज़ है वो जी हम मेरे पास है ये हाइलोरोनिक एसिड या सीरम कह लें इसको, तो ये जी बड़ा ही बेस्ट होता है रिंकल्स के लिए, एजिड स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए। आजकल जिस तरह की पैची हो जाती है स्किन, उसके लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, इसको अब अप्लाई करने के तरीके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको यूज़ करते हैं, जबकि मैं इसको इसका आपको एग्जैक्ट और राइट तरीका बताऊँगी जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। आपने लेना है इस तरह का कोई भी मॉइस्चराइज़र, ज़रूरी नहीं कि आप यही इस्तेमाल करें, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रही हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं, उसके आपने लेनी है थोड़ी सी क्वांटिटी या जितनी आपने अप्लाई करनी होती है फेस एंड हैंड में, और आपने लेना है हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, या सीरम। तो आपके पास कोई सा भी हाइलोरोनिक एसिड हो या सीरम हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो हाइलोरोनिक सीरम या एसिड होना चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप यही दोनों, अगर आपके पास नहीं है तो आपके यहाँ हमारे पास तो नहीं है, आप कोई सी भी ले लें, कोई सा भी हाइलोरोनिक एसिड ले लें। इस तरह का आप मॉइस्चराइज़र हथेली पर लेंगे थोड़ा सा, और उसमें 4 ड्रॉप्स डालेंगे। ये देखें एग्जैक्ट मैंने 4 ड्रॉप्स उसमें डालने हैं, और क्वान्टिटी के हिसाब से आपने डाल देने, ठीक है। ये मैंने फेस पे अप्लाई करके तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ इसी तरह ही, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट इसी तरह स्किन पे लगाएंगे तो वो मे बी के हार्मफुल हो, स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं और स्किन अजीब सी हो जाती है, और वक्त से पहले आपको मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बेहतरीन तरीका इसका ये है, और बेहतरीन टाइम जो होता है वो नाइट स्किन केयर होता है। इससे आप की स्किन को सारी रात के लिए एक टाइम मिल जाता है, कोई भी आप मेडिसिन या कोई क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं आपकी स्किन टाइम लेती है। तो बेहतर वक्त जो होता है या बेहतरीन वक्त जो होता है वो रात का होता है। कोशिश किया कीजिए कि रात को आराम से इसको पुरसकून होकर अप्लाई करें, कोई भी स्किन केयर आप कर रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें थी ये बेस्ट थी, और मैं हमेशा आपसे अच्छी चीज़ें ही शेयर करती हूँ, ऐसी चीज़ें जो ख़ुद मैं यूज़ कर चुकी हूँ या मेरे यूज़ में हों। अच्छा, ये जो मॉइस्चराइज़र है ना फिजियोजेल, ये आप जो है ना मेकअप से पहले भी एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, या जो जिस तरह हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं ना,
ड्राई स्किन वाले वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से आपकी फाउंडेशन अप्लाई हो जाएगी। और हाइलोरोनिक एसिड जो है वो भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, रिवाज वालों का भी है, मैं इसके ऊपर पहले भी एक रिव्यू दे चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख लेना जो बेस्ट होगा उसमें से वो अप्लाई कर लेना। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने और अपने से रिलेटेड लोगों का ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में मैं मिलूंगी जो कि आपके लिए मज़ीद बेनिफिशियल साबित होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।